में बीती रात दुर्ग रिलायंस पेट्रोल पंप में मारपीट की घटना हुई, जिसका पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोल भरवाने के नाम पर तीन अज्ञात युवकों ने दुर्ग के रिलायंस पेट्रोल पंप में कार्यरत युवक की मारपीट की, जिसके चलते युवक के सर पर गंभीर चोटें आई है। बता दें, देर रात तीन अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा पेट्रोल पंप पहुंचकर पेट्रोल डलवाने के नाम पर पहले तो मारपीट की गई और बाद में खुद से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डाला, जिसके बाद जान के खतरे के डर से पेट्रोल पंप कर्मी भाग गया। कर्मचारी को दौड़ाकर ईंट से सर पर लगातार वार कर आरोपी फरार हो गए, जिसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में दर्ज भी हो गया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की है। बता दें, जिस प्रकार से पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा शहर में गश्त किया जा रहा है, वहीं दुर्ग कोतवाली पुलिस नाइट पेट्रोलिंग की फेल नजर आई। बाकायदा खुलेआम तीन अज्ञात युवकों द्वारा दादागिरी कर गुंडागर्दी करने वालों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा दुर्ग पुलिस इस तरह के मामले पर किस तरह से संज्ञान लेकर आगामी घटनाओं को सुरक्षित रखती है। इस संबंध में पीड़ित कर्मचारी ने अपनी आपबीती सुनाई। सर, कल रात के 11:45 का घटना है। ये तीन आरोपी गाड़ी में सवार होके आए पेट्रोल डलाने। इनके गाड़ी में 90 का पेट्रोल डाला। इनने 100 रुपये दिए थे, तो उसमें से उनको 10 रुपये वापस किया। तो उन लोगों ने ना मेरे से और पैसा मांगे कि तू मेरे को और पैसा दे। गाली गुप्तार कर रहे थे, माँ बहन का बहुत गंदा गंदा गाली बके, और फिर उसके बाद पैसा ऐसा छीन रहे थे। फिर एक जन ने मारा है। फिर मारने के बाद मेरे को मारना शुरू करे, तो मैं जान बचाने के लिए पीछे भागा। तो फिर इन लोग आरोपी लोग ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल तो भी डाल रहे थे, अपने से नोजल उठा ले और डाल रहे थे। तो फिर उसके बाद पीछे तरफ मेरे को गया, पीछे तरफ भागा, तो पीछे तरफ पकड़ लिए मेरे को, दोनों हाथ पकड़ लिए और ईटा ईटे से 8-10 बार वार किए, और उसके बाद मेरे को चाबी से, गाड़ी की चाबी से भी मारे। पुलिस प्रशासन को सूचना मैं किया तो लेट आए पुलिस। घटना होने के बाद वही 10-15 मिनट बाद इनका आए 112 और कंट्रोल रूम गाड़ी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।